नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्यूबल ब्लॉकेज की एक समस्या या फिर ट्यूब्स की एक समस्या कहना चाहिए, जिसमें हमें ट्यूब्स के अंदर ब्लीडिंग दिखती है। तो बहुत बार हमारे HSG के रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि बायलेटरल ट्यूब्स पेटेंट विद बीडी ट्यूब्स। तो पेशेंट का ये सवाल रहता है कि क्या ये ब्लीडिंग जो है वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से रिजॉल्व हो सकती है या नहीं, पहला। क्या ब्लीडिंग की वजह से प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत आ सकती है, सेकेंड। और ब्लीडिंग है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, थर्ड। तो बेसिकली पहली बात तो अगर ब्लीडिंग है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है। अगर ट्यूब्स की रिपोर्ट में पेटेंट लिखा है या ट्यूब्स में से दवा निकल रही है तो इसका मतलब आपकी दोनों ट्यूब्स जो हैं वो ओपन हैं। ओपन है, लेकिन ब्लीडिंग का मतलब है जो ट्यूब के रेशे हैं वो इंटरनली कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चिपके रहते हैं, जो फंक्शनैलिटी इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्लीडिंग की भी ग्रेडिंग रहती है कि अगर वो बहुत बड़ी बड़ी गांठें हैं तो वो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत करेंगी, अगर वो थोड़ी बहुत हैं तो वो उत्तर बस्ती के ज़रिए रिजॉल्व हो सकती हैं। बहुत बार जैसे एक महीने की थेरेपी की तो उसमें रिजॉल्व हो जाती हैं, कई बार दो महीने की थेरेपी में रिजॉल्व हो जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड्स। बीडी ट्यूब्स के साथ भी अगर वो ग्रेड वन ब्लीडिंग है तो पेशेंट्स कंसीव करते हैं, हेल्दी प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। तो ये ब्लीडिंग का ग्रेड कितना है वो आपकी रिटन रिपोर्ट में नहीं पता चलता, जब आप HSG का एक्सरे सामने पकड़ते हो तब आपको पता चलता है कि वो ब्लीडिंग का ग्रेड कितना है, तो ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बता पाते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि एक पेशेंट अभी हमारे पास आए थे जिसको हमने ब्लीडिंग ट्यूब्स को ट्यूब का ट्रीटमेंट किया, ट्यूब्स में ब्लीडिंग थी, उसके बाद प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट चलाया, और वो जब किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने बोला कि आपके ट्यूब्स में तो TB के पार्टिकल दिख रहे हैं। TB के पार्टिकल ब्लीडिंग जो है वो TB की ही वजह से हो, इसके चांसेस 100% नहीं होते, 60-70% चांसेस होते हैं कि ट्यूब्स के अंदर अगर ब्लीडिंग है तो वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो, 40% तक चांसेस हो सकते हैं कि उसमें ट्यूबरक्लोसिस ना हो। ऐसा ही हाइड्रोसाल्पिंग्स में भी देखा जाता है कि ट्यूब में पानी हमेशा TB की वजह से ही हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन TB इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर। इनफैक्ट ब्लीडिंग से कई गुना ज़्यादा हाइड्रोसाल्पिंग्स में TB होने के चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी हाइड्रोसाल्पिंग्स देखकर किसी पेशेंट को 100% हाई TB है ऐसा बोलकर TB की दवा नहीं खिलाई जाती है। तो अगर आपको कोई TB जैसे डाउट लगते भी हैं तो आप पेशेंट का ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करवाते हो और उसके बाद उसके हिसाब से चलते हैं। अब सवाल ये है कि TB का कौन सा टेस्ट वैलिड है और कौन सा टेस्ट वैलिड नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट हम कई तरीके से करते हैं, जैसे हम अगर पेशेंट कोई पुअर है तो हम मोंटॉक्स टेस्ट प्रेफर करते हैं, क्योंकि मोंटॉक्स टेस्ट सबसे सस्ता है और वो बहुत बार फॉल्स पॉजिटिव भी हो जाता है, बहुत बार फॉल्स नेगेटिव भी आता है। लेकिन अगर किसी का मोंटॉक्स नेगेटिव है तो डेफिनेटली उस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, क्योंकि वो फॉल्स पॉजिटिव आने के सिम्टम चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड, अगर कोई पेशेंट अफोर्डिंग आता है तो हम उसका TB गोल्ड या TB प्लेटिनम करवाते हैं, क्योंकि उसमें वो एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, उसमें सिर्फ हाथ से ब्लड सैंपल दिया जाता है। अगर ब्लड सैंपल के उस TB गोल्ड या प्लेटिनम में दवाई दी पॉजिटिव आए तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक कि आपको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हो और दूसरा कि आपको पहले कभी TB का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया हो, बचपन से लेके इतनी बड़ी लाइफ में कभी भी आ सकता है, बॉडी में उसको एक इम्यून सिस्टम जनरेट कर देता है, उसकी वजह से भी वो पॉजिटिव दिख जाता है। तो कभी भी TB गोल्ड या प्लेटिनम की रिपोर्ट के बेस पे भी डायरेक्टली पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन नहीं दी जाती है। सो नाउ व्हाट शुड बी डन इन दिस केस, बेस्ट इज इधर गो फॉर लेप्रोस्कोपी और TB फॉर एंडोमेट्रियल बायोप्सी। सो TB का टेस्ट जो हम TB PCR विद एंडोमेट्रियल बायोप्सी किया जाता है वो टेस्ट कर सकते हैं, CBNET विद जीन एक्सपर्ट कर सकते हैं, और इन सब से भी ऊपर लेप्रोस्कोपी किया जाता है। तो अगर किसी का एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हुआ है और उसको एक्टॉपिक के दौरान एक ट्यूब जो निकाली गई उसमें कोई TB नहीं दिख रहा है, कोई ब्लीडिंग नहीं दिख रही, कोई ट्यूबरकल्स नहीं दिख रहे हैं, तो पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। एक्टॉपिक के बाद TB के टेस्ट की जरूरत होती है, वो आप सिंपल मोंटॉक्स भी करा सकते हो, अपनी जेब के हिसाब से आगे आगे प्रोसेस में जा सकते हैं। TB PCR विद एंडोमेट्रियल बायोप्सी थोड़ा महंगा पड़ता है, वो 12,000-15,000 का टेस्ट है, प्लस फीमेल को बहुत सीवियर पेन होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं गर्भाशय के अंदर से एक टुकड़ा निकाल के उसकी जांच की जाती है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि वो किस प्रोसीजर पे जा सकते हैं। तो अगली बार अगर ब्लीडिंग ट्यूब दिखती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, आप उसके साथ भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, और आप उसको रिकवर करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो घबराएं नहीं, सही तरीके से उसके इलाज की तरफ आगे बढ़ें तो आपको निश्चित ही प्रेगनेंसी अचीव हो जाएगी। धन्यवाद।